नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आज नॉरसेट मेंस एग्ज़ाम आप सब दे के आए हैं, आई होप आपका अच्छा हुआ होगा। तो अभी कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉरी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, जो कि बच्चों से फीडबैक के अकॉर्डिंग कि ये क्वेश्चंस आए थे उनका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्लस जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी। और अगर आपको और कुछ याद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द इमेज, ये जब मैंने इमेज बेस्ड क्लास ली थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था। तो ये कौन सी है इमेज में, क्या है ये? पिक लाइन, फिमोरल लाइन, सीवीपी कैथ एंड पर्म कैथ। दिस इज पिक लाइन, दैट इज पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। सेंट्रल कैथेटर इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग लाइन। तो ये जो है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर की इमेज है। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव पेशेंट इज गिवन फ्लूइड फॉर। एक इस तरीके का पेशेंट क्वेश्चन था कि प्री ऑपरेटिव पेशेंट है उसमें फ्लूइड क्यों दिया जाता है। ये मैंने पढ़ाया था आपको कि प्री ऑपरेटिव पेशेंट्स में हम जनरली अगर फ्लूइड देना पड़ता है तो उसका क्या पर्पज़ रहता है जनरली, कि पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो और उसकी हाइड्रेशन प्रॉपरली मेंटेन हो। सो एक यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी मुझे ऑप्शंस नहीं पता हैं, बच्चों ने मुझे यही बताया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेंटेन हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए जो है प्री ऑपरेटिव पेशेंट्स में फ्लूड दिया जाता है। नेक्स्ट, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज सीन इन। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी किस में देखने को मिलता है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का क्या मतलब है कि मैं ही राजा हूँ, ठीक है, मुझसे बढ़ के कोई नहीं है। पेशेंट को लगता है मेरा प्राइम मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट है, मैं बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हूँ। तो यहाँ कौन से टाइप में ये देखने को मिलता है? ये पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में जनरली देखने को मिलता है। सो ए, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये देखिए, ये इमेज है लेफ्ट लेटरल पोजिशन। और हमेशा कब दी जाती है ये पोजीशन? जब हमें सिक्रीशंस होती हैं, पेशेंट को ड्रूल कर रहा होता है उस टाइम पे। कभी भी जो है जब मुंह में सिक्रीशंस होती हैं, पेशेंट एस्पिरेट ना करे टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, ये दी जाती है। तो यहाँ पे जो है इसको ऑप्शंस थे रिकवरी, फाउलर, ट्रेडनलेनबर्ग एंड रोज पोजीशन। दिस इज़ रिकवरी पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन। जनरली आफ्टर सर्जरी यही पोजीशन हम देते हैं ताकि पेशेंट जो है एस्पिरेट ना करे। तो रिकवरी पोजीशन आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स हैज़ प्रिस्क्रिप्शन टू गिव टू क्लाइंट्स सेलमेट्रोल 2 पप्स एंड बिक्लोमेथाजोन 2 पप्स बाय मीटर डोज इनहेलर। द नर्स शुड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन यूजिंग विच प्रोसीजर। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले हम देते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर देने का ये पर्पज़ है ताकि जो है ये ब्रोंकियोल्स थे, अगर यहाँ नैरोइंग रहती, ठीक है, और अभी हम कुछ भी दे रहे हैं, स्टेरॉयड वगैरह दे रहे हैं, तो प्रॉपरली क्या है लंग्स तक नहीं पहुँचेगा। तो ब्रोंकोडाइलेटर देने से यहाँ का पाथवे क्या हो गया, चौड़ा हो गया है, और अभी जो स्टेरॉयड जाएंगे उनका सीधा इफेक्ट जो है अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन होगा कि सालमेट्रोल जो कि एक ब्रोंकोडाइलेटर है उसको पहले देंगे और उसके बाद बिक्लोमिथाजोन देंगे जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉयड है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मेडिकेशन आर नोटेड इन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट होम मेडिकेशन प्रोफाइल। विच ऑफ द मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइकली पोटेंशिएट और एलिवेट द सीरम डिजॉक्सिन लेवल। सीरम डिजॉक्सिन लेवल एलिवेट करने की बात है तो कौन सा ड्रग जो है सीरम डिजॉक्सिन लेवल को एलिवेट करेगा? सीरम डिजॉक्सिन लेवल जो है ये क्यूनिडीन आंसर होगा। क्यूनिडीन जो है सीरम डिजॉक्सिन लेवल को एलिवेट कर देता है। KCL जो है हाइपोकैलेमिया में होता है सीरम। जनरली बच्चे इसका आंसर KCL करके आए होंगे ये सोचते हुए कि पोटेशियम से लिंक होता है, लेकिन पोटेशियम से मैंने भी पढ़ाया था जब बताया था कि हाइपोकैलेमिया अगर होता है तब इसकी टॉक्सिसिटी होती है। KCL देने से तो हाइपोकैलेमिया नहीं होगा तो इसलिए टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा क्यूनिडीन सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, जो ST सेगमेंट है वो बढ़ा हुआ है। सो दिस इज द इमेज ऑफ ST सेगमेंट एलिवेशन। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन रिक्वायर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन अ क्लाइंट विद COPD। कि यहाँ पे जो है COPD वाला पेशेंट है, कौन सी मेडिकेशन जो है क्लोज ऑब्जर्वेशन जो पेशेंट है वो देखेगी ब्रोंकोस्पाज्म की इन पेशेंट विद COPD। तो यहाँ पे जो है ब्रोंकोस्पाज्म ना हो जाए तो कौन सी मेडिकेशन के लिए जो है क्लोज ऑब्जर्वेशन रहेगी? ये रहेगी प्रोपेनॉल के लिए, जो कि क्या है
एक एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे हम देते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट हमें ब्रोंकोस्पाज्म के लिए मॉनिटर करना होगा, तो डी आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, नॉर्मल एमएससी स्कोर। नॉर्मल एमएससी स्कोर दैट इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन स्कोर। अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो 25 और अबव को हम नॉर्मल बोलते हैं, और जो इसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है वो 30 होता है, दैट इज परफेक्ट स्कोर, और 24 और उससे बिलो जो है वो गड़बड़ है मान लीजिए, ठीक है, 24 और उससे बिलो। तो यहाँ पे नॉर्मल पूछा गया था और शायद ऑप्शन में अबव 25 था, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आईवी इन्फ्यूजन रेट इज 35 mg पर आवर इज गिवन एंड ड्रग इज डिजोल्ड इन 350 mg इन 500 ml। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था कि आपको जो है कितनी डोज देनी है, डोज रिक्वायर्ड इज 35 mg एंड डोज इन हैंड जो है वो 350 mg है, और सॉल्यूशन इन ml जो है वो 500 ml है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आप इस तरीके से जो है देखेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 50 ml जो है वो देना है। तो ए राइट, मतलब ए की ऑप्शन मैंने लिखा है, तो यहाँ पे 50 ml इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज हेयर। यहाँ पे इस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है, इस इमेज में आपको जो ये इमेज है ये एट्रियल टैकीकार्डिया का ईसीजी इमेज है। सो यहाँ पे जो इमेज दी गई थी इस तरीके से पीक्ड जो है QRS कॉम्प्लेक्स, तो ये एट्रियल टैकीकार्डिया की इमेज थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ रिलायबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन इन 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको बर्न हुआ है। हमेशा जो अगर फ्लूइड एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड, मैंने जो परसों भी क्लास कराई थी उसमें आपको बार बार बताया था कि एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड हम कभी भी किसी चीज़ से, किस चीज़ से असेस करते हैं, यूरिन आउटपुट से असेस किया जाता है, और बर्न वाले केस में स्पेसिफिकली। सो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट, व्हेन इवेल्युएटिंग अ क्लाइंट विद सिम्टम ऑफ शॉक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरोजेनिक एंड हाइपोवोलेमिक। द सिम्टम ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक दैट डिफर्स फ्रॉम हाइपोवोलेमिक, मतलब एक पेशेंट है जिसको जो है शॉक हो रहा है, न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक शॉक में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या ऐसा होता है न्यूरोजेनिक शॉक में जो हाइपोवोलेमिया में नहीं होता। तो अगर न्यूरोजेनिक शॉक है तो स्किन जो है वॉर्म और ड्राई होती है, जबकि अगर मैं हाइपोवोलेमिया की बात करूँ तो हाइपोवोलेमिया में स्किन कैसी हो जाती है, स्किन जो है कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो जाती है, क्योंकि सारा ब्लड फ्लो क्या है वाइटल ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है। तो ये हाइपोवोलेमिया में कोल्ड एंड क्लैमी होगी, यहाँ पर जो है स्किन वॉर्म एंड ड्राई होगी। नेक्स्ट, न्योनेटल रिससिटेशन डोज ऑफ एड्रेनलिन। न्योनेटल रिससिटेशन डोज है 1:10,000 इज द न्योनेटल रिससिटेशन डोज ऑफ एड्रेनलिन। नेक्स्ट, द पेशेंट हैव यूरिनरी रिटेंशन एंड नर्स टेल्स हिम टू पुट प्रेशर ऑन सुप्रापुबिक एरिया। ये जब मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए थे उस टाइम पे मैंने दिखाया था कि सुप्रापुबिक एरिया पे जब हम प्रेशर लगाते हुए यूरिनरी रिटेंशन या यूरिन जो है एक्सपेल आउट कराते हैं उसको हम बोलते हैं क्रीड मैन्यूवर। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ IUCD 380 की ड्यूरेशन है 10 ईयर्स के लिए, ड्यूरेशन ये लगाई जाती है, 10 ईयर्स प्रोटेक्शन जो है ये देती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। नेक्स्ट, 39-year-old फीमेल क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक सिज़ोफ्रेनिया पैरानोइड टाइप इज करंटली एन आउट पेशेंट एट द लोकल मेंटल हेल्थ एंड मेंटल रिटार्डेशन क्लिनिक। द नर्स द क्लाइंट कम्स फॉर मेडिकेशन एंड इवेल्युएशन, शी एडमिनिस्टर हेलोपेरिडोल 5 mg ट्वाइस अ डे एंड बेंस्ट्रोपिन 1 mg वंस अ डे। ड्यूरिंग रिसेंट क्लिनिकल विजिट शी सेज टू नर्स आई कांट स्टे स्टिल। पेशेंट जो है हेलोपेरिडोल ले रहा है जो कि कैसा ड्रग है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, और एंटीसाइकोटिक के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, पार्किंसोनियन है, और अकाइथीसिया, डिस्टोनिया, इस तरीके के साइड इफेक्ट जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे जो इनएबिलिटी टू कांट स्टैंड स्टिल जो है इसका मतलब होता है अकाइथीसिया, कि मैं जो है स्टिल नहीं रह पाती हूँ, इधर उधर करवट लेती रहती हूँ, तो इसको बोलते हैं अकाइथीसिया, रेस्टलेसनेस जो पेशेंट में होती है। नेक्स्ट,
ये हो सकता है लैंग्वेज जो है कुछ डिफर करी हो पेपर में, लेकिन ये जो इमेज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, तो इनमें लैंग्वेज जो है अलग हो सकती है। नेक्स्ट, अ 50-year-old क्लाइंट इज एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट इन अ स्टेट ऑफ टोटल डिस्पेयर, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस। मेन सिम्टम्स आ गए हैं यहाँ पे डिप्रेशन के, और डिप्रेशन भी कैसा अभी देखते हैं आगे। फ्लैट इफेक्ट है, सैड अपीयरेंस है, किसी भी चीज़ में प्लेजर नहीं फील हो रहा है, और हस्बैंड उसका जो है हाउस होल्ड वर्क कुकिंग में हेल्प करता है ना, वो खा रही है, एक जगह पे बैठी हुई है। तो किस तरीके का डिप्रेशन है ये? सीवियर डिप्रेशन में आता है, ठीक है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ 3-year-old चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड विद बर्न्स कवरिंग, जो है वही बर्न वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने बताया था यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट इंडिकेटर टू नो फ्लूइड रिससिटेशन। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया इज द प्राइमरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू नियर ड्राउनिंग विक्टम द ऑर्गन दैट सस्टेन इरिवर्सिबल डैमेज। इरिवर्सिबल का डैमेज का मतलब है जिसको हम वापस से नहीं कर सकते। तो कौन सा सिस्टम ऐसा होता है? यहाँ पे होता है ब्रेन, जहाँ पे न्यूरॉन्स अफेक्टेड होते हैं, और न्यूरॉन्स एक बार डाई हो गए तो हो गए, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम आंसर होगा। नेक्स्ट, वजाइनल प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड आफ्टर पोजीशनिंग द पेशेंट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट इंटरवेंशन। पोजीशनिंग कौन सी देते हैं? ट्रेडेनलेनबर्ग देते हैं जब कॉर्ड प्रोलैप्स होता है। अगर हम क्वेश्चन कह रहा है कि पोजीशनिंग तो हमने कर दी है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो कॉर्ड बाहर निकली हुई है उसको वेट स्पंज से हम जनरली कवर रखते हैं ताकि इन्फेक्शियस जो है इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट, साइट ऑफ लंबर पंचर इन चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रन जो है लंबर पंचर की साइट L4 से L5 होती है, सी शेप पोजीशन मेंटेन करते हैं, और बड़ों में ये साइज जो है साइट जो है अडल्ट में होती है L3 से L4। नेक्स्ट, बिफोर एनी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन व्हाट वुड द नर्स सजेस्ट द पेशेंट। क्या वो सजेस्ट करती है पेशेंट को कि वो टॉयलेट जाके आना है, क्योंकि जो ब्लैडर होता है वो प्रॉपर एग्जामिनेशन अगर फुल होता है तो प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं होने देता, इसलिए अवॉइड करने की सलाह देती है। नेक्स्ट, अ नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर अ क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ MGSO4। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया था कि MGSO4 है तो कौन सा साइड इफेक्ट हम देखेंगे यहाँ पे? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी रेट कई बार 12 पर मिनट तक भी चली जाती है, तो वहाँ हमें स्टॉप करना होता है, और क्या करना होता है फिर? एंटीडोट, जो कि क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, वो देना होता है। नेक्स्ट, इंडियन ड्राइविंग अल्कोहल अलाउड। तो लीगल जो ड्राइविंग लिमिट है ड्राइविंग करते हुए 30 mg/ml ऑफ द ब्लड जो है इज द लिमिट। नेक्स्ट, डिमेंशिया प्रिकॉक्स नेम इज गिवन बाय। डिमेंशिया प्रिकॉक्स जो है पहले यूज करते थे सिजोफ्रेनिया को टर्म करने के लिए, ये नेम जो है एमिल क्रेपेलिन ने दिया था। जनरली क्वेश्चन में क्रेपेलिन भी यूज हो सकता है, तो एमिल क्रेपेलिन वॉज द पर्सन हु कॉइंड दिस टर्म। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर ओइंग टू 42 weeks कन्फर्म्ड बाई डेट एंड अल्ट्रासाउंड। वो 3 cm डायलेटेड है, ऑक्सीटोसिन पे है, कॉन्ट्रैक्शन 70 सेकेंड की आ रही है, तो नर्सिंग फर्स्ट इंटरवेंशन क्या रहेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगा फिटल हार्ट रेट चेक करना है सबसे पहले, उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ है तब फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। हम टर्न ऑफ नहीं कर सकते इस तरीके से ऑक्सीटोसिन, और डिलीवरी के लिए प्रिपेयर जो है अभी फुल डायलिटेशन नहीं है तो टाइम है, तो यहाँ पे फिटल हार्ट रेट चेकिंग इज द राइट आंसर। इमेज का है कि कौन सी इमेज है ये? आपने बीपी मॉनिटर के ऊपर भी देखा होगा, इस तरीके के जो डायल डायल्स होते हैं उनको बोलते हैं एनेरॉइड मैनोमीटर, जो कि प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, इन एल्डरली पेशेंट डिलीरियम हैपन्स ड्यू टू। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे, इसकी लैंग्वेज जो है प्रॉपर नहीं है अभी। नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेजर सर्जरी द पेशेंट डेवलप्स टैकीकार्डिया एंड एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये देखिए, इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं, टैकीकार्डिया हो रहा है और डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, तो ये क्या है? ये इंडिकेट कर रहा है हीमोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन होता तो क्या होता? इचिंग वगैरह वाले साइन आते, रैशेज हो जाते, इचिंग होती। ये भी आगे क्वेश्चन आया था शायद इस तरीके से भी जो बताया गया है, तो वहाँ पे आंसर होता है एलर्जिक रिएक्शन और यहाँ पे आंसर है हीमोलाइटिक रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इन कॉन्ट्राइंडिकेशन इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी।
डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में इसमें पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं करनी है, ऑलरेडी हार्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायलेटेड है, तो अगर उसको हमने ये ड्रग दे दिया तो ये और क्या करेगा, हार्ट का ओवरलोड करेगा और जो है नेगेटिव इफेक्ट भी ये कॉज कर सकता है, तो पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स इस केस में नहीं देते हैं। ये देखिए जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि इचिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद क्या हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस में होता है। विच एसिड बेस इम्बेलेंस कंटिन्यूस एनजी ट्यूब सक्शनिंग कॉज, ये क्वेश्चन मैंने कराया था एज इट इज़ डायरेक्ट कि एनजी ट्यूब सक्शनिंग होती है तो पेट का क्या है, सारा एसिड बाहर निकल जाता है, और जब सारा एसिड बाहर निकल जाता है तो अंदर क्या हो जाएगा, एल्कलाइन वाली कंडीशन हो जाएगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है उस केस में होगा। नेक्स्ट, पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट इज ऑन कंटिन्यूस एनजी ट्यूब सक्शनिंग, नर्स ऑब्जर्व लेस आउटपुट इन द ड्रेनेज बैग्स, व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। कभी भी किसी ट्यूबिंग वगैरह पे पेशेंट होता है और आउटपुट कम आ रहा होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, किंक के लिए चेक करते हैं कि कोई किंक वगैरह तो नहीं है, मुड़ी तुड़ी तो नहीं हुई है कहीं से ट्यूब, तो यहाँ पे किंकिंग इज द राइट ऑप्शन चेक फॉर किंक। रूट ऑफ राइबेवेरिन, राइबेवेरिन जो है रेस्पिरेटरी सिंक्टल वायरस, हेपेटाइटिस बी वगैरह कंडीशन में भी देते हैं, यहाँ पे इसको देने का इनहेलेशन या फिर एरोसोल रूट इज द करेक्ट आंसर है। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो आज पेपर में आए थे, आई होप आपका अच्छा हुआ होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन याद आ रहे हैं और आप उनका आंसर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।